गुड मॉर्निंग बच्चों, ये है आपकी ऑलराउंडर राइटिंग बुक। इसमें हमने आपको पहले हिंदी के अक्षरों को बनाना सिखाया था, जैसे कौन कौन से अक्षर, छोटा, बड़ा, छोटी ई और बड़ी ई। आज इसी बुक में हम आपको आगे के अक्षरों को बनाना बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि बड़ी ई के बाद कौन सा अक्षर आता है। कौन सा अक्षर है ये बच्चों? उ। बड़ी ई के बाद कौन सा अक्षर आता है? छोटा उ। छोटे उ से क्या होता है? उल्लू। छोटे उ से उल्लू। तो आइए आज हम इसको बनाना सीखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो ये आपकी लाइन है ग्रीन कलर की। किस कलर की? ग्रीन कलर की। तो सबसे पहले यहाँ पर पेंसिल रखकर, जैसे कि हमने छोटे आ में और बड़े आ में कर्व बनाया था, इसी प्रकार इसमें भी एक कर्व बनाएंगे। ग्रीन लाइन से स्टार्ट करते हुए रेड लाइन तक एक हाफ कर्व, उसके बाद रेड लाइन से फिर से नीचे ग्रीन लाइन तक लाते हुए एक दूसरा कर्व बनाएंगे। इसके बाद इस कर्व को ऊपर लाकर इस प्रकार छोड़ देंगे। ठीक है, आप इस ग्रीन लाइन पर पेंसिल रखेंगे और एक खींचेंगे स्लीपिंग लाइन। ठीक है, ये हमारा बन गया छोटा उ। एक बार फिर से देखते हैं, ग्रीन वाली लाइन पर पेंसिल रखकर रेड वाली लाइन से एक हाफ कर्व, इसके बाद एक दूसरा कर्व और ऊपर रेड वाली लाइन तक लाकर इसको छोड़ दिया। ऊपर लगाई एक स्लीपिंग लाइन, बन गया छोटा उ। एक बार फिर से हाफ कर्व, इसके बाद एक दूसरा कर्व, ऊपर लाकर जैसे छोड़ा और स्लीपिंग लाइन, बन गया हमारा ये छोटा उ। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? अब ऐसे ही इस कार्य को हम अपने मम्मी पापा की सहायता से स्वयं करेंगे। ओके, अब देखते हैं छोटे उ के बाद कौन सा अक्षर आता है। कौन सा अक्षर है ये? बड़ा उ। जिसके पीछे पूंछ होती है उसको कहते हैं बड़ा उ। तो आइए देखते कैसे बनता है। जिस प्रकार हमने छोटा उ बनाया था, उसी प्रकार पहले हम छोटे उ को बनाएंगे। कर, फिर एक दूसरा कर, ऊपर लाकर छोड़ा, बीच में लगाई एक ऊपर स्लीपिंग लाइन। अब इसके बीच में पेंसिल रखकर पीछे की तरफ एक कर बनाएंगे, इस प्रकार। ये बन गया छोट बड़ा उ। इसी तरह फिर से देखेंगे, ऊपर वाली लाइन पर रखकर पहले कर बनाया, फिर दूसरा कर, फिर पीछे की तरफ पेंसिल रखकर नीचे की ओर एक हाफ कर्व लाकर, इस तरह, जैसे बंदर की पूंछ होती है, और ये बन जाएगा हमारा बड़ा उ। एक बार फिर से देखेंगे, कर, एक दूसरा कर, फिर पीछे की तरफ एक पूंछ, ऊपर लगाया स्लीपिंग लाइन, बन गया बड़ा उ। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? इसी प्रकार इस कार्य को भी अब हम अपने स्वयं करेंगे। अगला अक्षर देखते हैं कौन सा है, क्या है ये? री से ऋषि। री से ऋषि। आइए देखते हैं कैसे बनता है ऋषि ऋषि। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, इसके बाद इसके बीच में, इस लाइन के बीच में पेंसिल रखकर इस तरह से एक स्लांटिंग लाइन ऊपर की ओर, इसके बाद नीचे की तरफ दूसरी स्लांटिंग लाइन, इस तरह ऊपर की तरफ स्लांटिंग लाइन को घुमाते हुए नीचे लाकर इस प्रकार एक कर्व बनाएंगे। ओके, ये बन गया हमारा री से ऋषि, इसके बाद स्लीपिंग लाइन। फिर से ट्राई करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, छोटी सी एक स्लांटिंग लाइन, ऊपर की तरफ स्लांटिंग लाइन,
इसको घुमाते हुए नीचे लाएंगे और एक कर्व बनाएंगे स्लीपिंग लाइन। फिर से देखेंगे, इस तरह बन गया ये हमारा री से ऋषि। तो बच्चों आज हमने कौन कौन से अक्षरों को बनाना सीखा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री से ऋषि। पहले के वीडियो में हमने आपको सिखाया था छोटा बड़ा, छोटी ई और बड़ी। इस प्रकार अब आपको री से ऋषि तक के अक्षरों को बनाना सीख चुके हैं। अब इस गृह कार्य को आप स्वयं करेंगे। थैंक यू।